हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HVAC सपोर्ट टेकी। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं मेरे, ये ब्लू स्टार का VRF 5 प्लस है। ये 5 प्लस जो है 26 HP का यूनिट है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मोहम्मद शहबाज ने पूछा था कि ये VRF के लिक्विड इंजेक्शन के बारे में बताएं, DLT के बारे में बताएं, तो मैं आपको आज इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। पहले लिक्विड इंजेक्शन के बारे में बताने से पहले देखिए, मैं आपको DLT के बारे में बता देता हूँ। DLT क्या चीज़ है? DLT एक डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर सेंसर को जो है DLT कहते हैं। DLT सेंसर लगा होता है कंप्रेसर के टॉप पे, हेड पे लगा होता है, या तो फिर कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे लगा होता है। वो एक्चुअली सेंस करता है कि डिस्चार्ज लाइन से आने वाला टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर कितना है। DLT इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजन्स है, जिसके मेजर रीजन्स है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग जब हीट होती है ड्यू टू लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, जब वो अंदर कंप्रेसर में ऑयल कम होता है, या जो है कंप्रेसर की इंटरनली वाइंडिंग जो वीक होती है उस समय भी जो कंप्रेसर की वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ती है, और इंडोर का सुपर हीट, जब सुपर हीट बढ़ जाता है, हीट एक्सचेंज ज़्यादा होती है और रिटर्न सेक्शन रिटर्न जो है कम आता है, जिसे हम सेक्शन रिटर्न बोलते हैं, सेक्शन लाइन का जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय जो है जो इंडोर की हीट कैरी करके लेके आता है, वो हीट का जो है इम्पैक्ट जो है हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग के ऊपर पड़ता है, जिस वजह से जो है हमारी कंप्रेसर की वाइंडिंग भी जो है बढ़ जाती है। ओवर डाइवर्सिटी, एक्सेस ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कंप्रेसर को जो है उसकी लिमिट से ज़्यादा जो है कैपेसिटी के साथ चलाना, ये सारे जो है मेजर रीजन्स है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि DLT सेंसर लगता कैसे और वो किस लाइन से लगता है, वो लिक्विड इंजेक्शन कंप्रेसर में होती कैसे है। आपने देखा होगा कि चिल्लर वगैरह में भी जो है कंप्रेसर के अंदर जो लिक्विड इंजेक्शन होती है, उसका फिनोमेना और ये फिनोमेना दोनों भी सेम है, वो प्रिंसिपल जो उसका काम करने का तरीका जो सेम है, लेकिन VRF में आप बहुत अलग अलग VRF में अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको हमारे इस ब्लू स्टार VRF के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने हमारा जो है मेन डिस्चार्ज लाइन है, यह है हमारी मेन डिस्चार्ज लाइन, जो दोनों कंप्रेसर के साथ में जो है कनेक्ट होके जा रही है, कंडेंसर में जा रही है। कंडेंसर से में कंडेंसेशन होने के बाद में हाई प्रेशर लिक्विड जो है हमारी यहाँ आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हाई प्रेशर लिक्विड लाइन है। ये लिक्विड लाइन हमारा जो है, आप पीछे देखिए, वो कंप्रेसर के, इसके हमारे इलेक्ट्रिक PCB के से जो हमारा इन्वर्टर ड्राइव होता है, उसके पीछे में जो हीट सिंक लगी होती है, वो हीट सिंक के साथ में जो है कनेक्ट होकर रहता है, ताकि IGBT जो IPM है उसकी हीट को जो है ज़्यादा बढ़ने से बचाए और मेंटेन रखें। और उसके बाद में ये वहाँ से रिटर्न होकर आ रहा है, यही हमारी मेन लिक्विड लाइन जो है इंडोर को जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं एक चेक वाल्व लगा है, चेक वाल्व का मतलब होता है कि NRV, उसके बाद में मफलर लगा है। तो यहाँ पर हमारा देखें, ये वाल्व है जो हमारे इंडोर को जा रहा है, ये लिक्विड लाइन है, सेक्शन वाल्व है, सेक्शन लाइन है। और यहाँ पे उससे पहले दो साइलेंट वाल्व है, जिसको मेन लिक्विड लाइन वाल्व बोलते हैं, जो इंडोर जैसा ऑटो बंद होता है तो इंडोर लिक्विड को यहाँ पे स्टॉप करके इंडोर में जाने से अवॉइड करते हैं। जब कंप्रेसर चालू होता है, ऑटो चालू, तो उस टाइम पे लिक्विड लाइन वाल्व जो है ओपन हो जाता है। तो ये वाल्व को यहाँ देखिए, ऐसा लिक्विड लाइन में ऊपर में टी लेकर यही लाइन जो है पीछे में कनेक्ट गई है, जहाँ पर लिक्विड इंजेक्शन के सोलेंट कॉल लगे हैं, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारी लिक्विड इंजेक्शन लाइन, ये लिक्विड लाइन है, यहाँ से हमारे दो लिक्विड इंजेक्शन के लिए जो क्वार्टर इंच के जो है टैपिंग हुआ है। ये हमारे सॉलिड वाल्व है, SV5 सॉलिड वाल्व 4 सॉलिड वाल्व 5, ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। ये दोनों जाके आप यहाँ देख सकते हैं, एक टी के साथ में टी लगा हुआ है और सेक्शन लाइन में कनेक्ट हो गए हैं, सेक्शन लाइन में कनेक्ट हो गए। ये दोनों भी जो है हमारे अक्यूमलेटर, ये जो हमारा अक्यूमलेटर है, अक्यूमलेटर टैंक जो है, अक्यूमलेटर टैंक से पहले लगे हुए हैं, ताकि लिक्विड इंजेक्शन जब हो तो मेजॉरिटी लिक्विड जो है अक्यूमलेटर के थ्रू जाए और कंप्रेसर की वाइंडिंग मेंटेन करे। मैं आपको अभी DLT सेंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा ये DLT सेंसर है, यही DLT सेंसर, ये कंप्रेसर 1 का है और ये कंप्रेसर 2 का है। इससे पहले हिटाची का मॉडल कंप्रेसर आता था, उसमें जो है यहाँ टॉप में लगता था, आप यहाँ भी देख सकते हैं टॉप में प्रोविजन है लगाने के लिए, एक बैटरी से जो है डिस्चार्ज लाइन पे लगा हुआ है। ये जैसे कंप्रेसर चालू होता है, तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल फेनोमेना, नॉर्मल ऑपरेशन में 75 तक जो है जाता है। जब हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर, डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर जब 80 क्रॉस करता है, तो सबसे पहले जो है लिक्विड इंजेक्शन 1 चालू होता है। उसके बाद में अगर 80 भी क्रॉस करके फिर 85 जाता है, तो समय जो है लिक्विड इंजेक्शन 2 चालू होता है, और ऑफ भी उसी समय होता है। जब 80 पे आता है तो वही लिक्विड इंजेक्शन ऑफ होता है, जब 75 पे आता है तो दूसरा ऑफ हो जाता है। ये मेन लिक्विड इंजेक्शन देखें, ये हमारा कुछ भी नहीं है, लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन की जो गैस है
वो है ये हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से हमारा लिक्विड लाइन का टेम्परेचर जो कम होता है, तो ये यहाँ से लिक्विड जाके लिक्विड टेम्परेचर का जो मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल बाहर का टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूँ, जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो कम होता है, वो जाने से जाके हमारे यहाँ एक्यूमुलेटर के थ्रू जाएगा और फिर हमारे सेक्शन वाइंडिंग पे जो है एनी हाउ जब कंप्रेसर रन होता है, जब कंप्रेसर रन होता है उस समय क्या होता है सेक्शन के थ्रू ही गैस जो है वाइंडिंग से टच होकर ऊपर जो है यहाँ पे स्क्रॉल है इसमें हेड में जो इसके लिए वहाँ पे आती है, तो उस समय एनी हाउ वाइंडिंग के साथ में मिल के आता है, तो वो क्या करता है वाइंडिंग के टेम्परेचर को जो है कंप्रेसर को जो है कंप्रेसर की बॉडी को शेल को सब कुछ जो है कूल डाउन करने का काम करता है। लिक्विड इंजेक्शन जो है VRF में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो लिक्विड इंजेक्शन वाल्व को कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे कंप्रेसर की सबसे बड़ी जो है सेफ्टी है। और ये था एक कंप्रेसर VRF के लिक्विड इंजेक्शन के बारे में, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑयल रिकवरी है, सेल्फ ऑयल रिकवरी है, ऑयल पुश आउट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे जो है अगले वीडियोज़ में जो है कंटिन्यू करूँगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।